आग जो, आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा अगर डोली उठी तेरी तो सारे जमाने को आग लगा दूंगा दिल मेरा तोरा ऐसे वीरान भी न रहने दिया दिल मेरा तोरा ऐसे वीरान भी न रहने दिया खुद खुदा हो गया मुझे इंसान भी रहने नहीं दिया हेलो गुड इवनिंग एवरीवन आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है मैं आलोक कुमार आज मैं इडियम सॉफ्ट फ्रेज का सेकेंड क्लास लेने जा रहा हूं तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी दुनिया का काम ही यही है दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी दुनिया का काम ही यही है पर आप लोगों को इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए एक और सुनाता हूँ इतनी हंसी, इतनी दिलकश वो सबसे जुदा निकली इतनी हंसी, इतनी दिलकश वो सबसे जुदा निकली मैं मोहब्बत तो कर बैठा पर वो शादी शुदा निकली तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है पे ऑन द नेल पे ऑन द नेल सबसे पहले इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए तो यदि याद रहेगा मीनिंग तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा इसका मीनिंग होता है अभी अभी पैसा जमा करना जमा करना या। इसका एक और मीनिंग होता है तुरंत पैसा जमा करना तुरंत पैसा जमा करना तो मीनिंग याद रखेंगे अब इसका आपको एग्जाम में सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस अपने हिसाब से कोई बना सकते हैं, बसरते वह सही से होना चाहिए मैं अपने अनुसार सेंटेंस लिखता हूँ देखिए मैं लिखता हूँ सामान को भेजा जाएगा सामान को भेज दिया जाएगा यदि आप अभी का भी पैसा जमा करते हैं देखिए कैसे लिखेंगे इसका लिखेंगे गुड्स बेल बिल Daily वर्ड ए फे क्यू पे ऑन द नेल ऑन द यहाँ लिखता हूं यहाँ द है ऑन द और यहां लिखता हूं नेल है ना तो इस तरह आप भी एग्जाम में जो इडियम्स फेज रहेगा उसका मीनिंग याद कीजिएगा मन में और सेंटेंस जो है अपने हिसाब से या जो तो मैं लिखता हूँ इसको प्रैक्टिस करके आप आराम से लिख देंगे सेकेंड है गो टू द डॉग्स इसका मीनिंग होता है बर्बाद हो जाना गो टू द डॉग्स मीन्स बर्बाद हो जाना यहाँ लिखता हूँ आप लोग भी लिख लीजिएगा बर्बाद हो जाना इसका सेंटेंस बनाएंगे कि यदि लोग अपनी तरीका सुधारते नहीं है तो वे लोग निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे इसका यह लिखना है तो ए, लिखेंगे एफ पीपुल डू नॉट डू नॉट डू नॉट में यहाँ लिखता हूँ दे, दे आर वेज दे आर वेज वेज निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे लिखेंगे दे या कॉमा देंगे दे आर प्योर टू लिखेंगे प्योर टू बर्बाद हो जाना क्या लिखे इडियम्स गो टू द डॉग्स गो टू इस तरह इसका सेंटेंस बन गया हार्ट देखिए इट्स लाइक अ हॉर्स इसका मीनिंग होता है बहुत अधिक खाना बहुत अधिक खाना यहाँ लिखता हूं बहुत अधिक खाना और इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे डॉक्टर के सलाह के बावजूद डॉक्टर के सलाह के बावजूद वह अभी भी बहुत अधिक खाता है तो डॉक्टर सलाह के बावजूद प्लेस क्या बनाएंगे द डॉक्टर्स डॉक्टर्स यहाँ आप जस्ट वेट। यहाँ था बहुत द डॉक्टर्स यहाँ पर जस्ट वेट। यहाँ पर पोस्ट है 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 डॉक्टर्स एडवाइस डॉक्टर के सलाह के बावजूद है ना वो अभी भी ही स्टील इट्स क्या लिखेंगे लाइक हॉर्स ये लिखता हूँ लाइक ए हॉर्स लास्ट में क्या देंगे फुल स्टॉप इस तरह जो है सेंटेंस बनकर रेडी हो गया कुछ नहीं बस मीनिंग याद होना चाहिए और माइंड में सेंटेंस अच्छा याद होना चाहिए या अपने बनाने की क्षमता होना चाहिए और बना देंगे नहीं तो जो मैं लिखता हूँ इसी को आप प्रैक्टिस कर लेंगे देखिए गोइंग प्लेसेस ये आपका हो गया एडियम्स हो गया गोइंग प्लेसेस ये आपका एडियम्स फ्रेज हो गया इसका मीनिंग होता है लिखता हूँ सफल होना सफल होना और इसका सेंटेंस आप क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस मैं बनाता हूँ कि भारत के लोग भारत के लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में सफल हो रहे हैं लिखेंगे इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी टेक नॉलॉजी इस तरह सेंटेंस बन गया इस तरह आपको भी एग्जाम में करना है आप एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं जब तक आप घर पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस न कर सकते हैं जितना मैं कराता हूँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतना मैं एडियम्स करा दूँगा कि आप एग्ज़ाम में जो है कब का सब बना ला, लाएंगे वही छूटना होगा जो किस्मत पर तो हो यानी पूरे पूरा पूरे तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन उसमें से अधिकतर 80 परसेंट जो एडीएम्स ऑफ जो है उसमें आ, यही सब रहेगा और आप जो से बना देंगे देखिए नेक्स्ट सेलिंग लाइक हॉट केक्स इसका अर्थ हुआ बहुत तेजी से बिक जाना बहुत तेजी से बिक जाना बहुत तेजी यहां देखिए बहुत तेजी से बिक जाना जाना इसका सेंटेंस आप बनाएंगे वह कहते थे वह कहे कि सट जो है बहुत तेजी से बिक रहा था यह सेंटेंस बना सकते हैं लिखता हूं सी दैट द हैड बीन हैडबीन और क्या है सेक हॉट केक्स लिखेंगे सेलिंग लाइक हॉट केक्स क्या लिखता हूँ केक्स इस तरह बनकर रेडी हो गया तो आप जो है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आप घर पर इसका हिंदी मीनिंग तो अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम में क्या सेंटेंस लिखेंगे वो आप जब मायने बैठा लेंगे नहीं तो जो मैं लिखता हूं लिखता हूं इसी को माइन बैठा लेंगे तो आपके वहां कंफ्यूज होना पड़े और मैं कहता हूं जो एडियंस फेल जाएगा उसका अधिकतर जो है आपको इससे बहुत मिलता रहेगा जब आप देखेंगे तो मैं पढ़ा हूं और आश्चर्य करेंगे तो नेक्स्ट देखा जाए नेक्स्ट है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना बहुत तेजी से फैलना लिखता हूं बहुत तेजी से फैलना अब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे इसका बनाएंगे इसे राष्ट्रपति के मृत्यु का न्यूज बहुत तेज़ी से फैल गया राष्ट्रपति के मृत्यु का न्यूज बहुत तेजी से फैल गया और आपको भी आ, आपको जो पहले इसका मीनिंग याद रखना है माइंड में सेंटेंस हिंदी में याद रखना है और उसको इंग्लिश में में प्रैक्टिस रखेंगे लेकिन आपको दो चीज़ याद होना चाहिए पहले ए, उसका हिंदी मीनिंग सेकेंड नंबर सेंटेंस माइंड होना चाहिए सेंटेंस माइंड होगा तो खुद पर खुद आप बना लेंगे उसको इंग्लिश में द्यूज द न्यूज द न्यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स डेथ डेथ डी डेथ स्प्रेड स्प्रेड लाइक है ना वाइल्ड फायर यहाँ लिखता हूँ वाइल्ड फायर तब बन कर रेडी हो गया अब नेक्स्ट देखेंगे देखिए जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इट रहेगा क्या रहेगा इट ड्राइव इट होम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ मैं मिटाकर जस्ट वेट यहाँ पर दूसरा पेंस लिखता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो इसके बाद रहेगा आपको ईट क्या रहेगा ईट तो ड्राइव इट होम ड्राइव इट होम में से जोर डालना क्या होता है जोर डालना मैं लिखता हूँ यहाँ पर का मीनिंग होता है जोर डालना जोर डालना तो सेंटेंस क्या बनाएंगे तो बनाएंगे कि टीचर उस पैन को जोर डालने के लिए टीचर उस पॉइंट को जोर डालने के लिए तीन बार दोहराए तीन बार दोहराए कैसे लिखेंगे लिखेंगे द टीचर द टीचर रिपीटेड रिपीटेड द पॉइंट द पॉइंट थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स इसलिए जो डालने के लिए क्या लिखेंगे पहले टू लिखेंगे टू तब तो ड्राइव इट होम लिखेंगे ड्राइव एट होम बन गया और मैं कहता हूँ कि आप जो है हिंदी मीनिंग और माइंड में सेंटेंस हिंदी सेंटेंस रख लेंगे तो आपको वहाँ कटना ही नहीं होगा सिर्फ उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप कर लीजिए लेकिन दो अच्छी जो होना चाहिए देखिए ran into means अचानक मिलना अचानक किसी से मिलना इसका अर्थ होता है अचानक किसी से किसी से मिलना अचानक किसी से मिलना और इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे तो इसका बनाएंगे जैसे आ, मेरा दोस्त कोलकाता में था और उसे थिएटर में अचानक दोस्त मिला ये बना सकते हैं देखिए जब मेरा दोस्त कोलकाता में था लेकिन वेन जस्ट वेट वेन माई फ्रेंड वाज इन कोलकाता ना और कोलकाता वह थिएटर में अपने दोस्त से मिला अचानक मिला लिखेंगे नहीं रैन रैन इनटू टू एंड ओल्ड फ्रेंड देखेंगे ओल्ड फ्रेंड कहाँ पर कुछ भी सकते हैं मॉल मौ, सबसे अच्छा रहेगा मॉल या थिएटर थिएटर में इसका फिल्म देखिए एट द थिएटर यह अच्छा होगा यानी फिल्म में इस तरह कंप्लीट अब जो है अब नेक्स्ट देखिए नाइन नंबर नाइन नंबर है आउट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या उम्मीद ना होना आउट ऑफ द क्वेश्चन इंस उम्मीद ना होना यहां लिखता हूं उम्मीद ना होना आपको क्वेश्चन दिखता होगा मैं थोड़ा स्टार्ट हो जाता हूं इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग कि हॉलीडे में हॉलीडे में विदेश जाना उम्मीद भी नहीं था हॉलीडे में विदेश जाना उम्मीद भी नहीं था इस तरह बना सकते हैं लिखिएगा गोइंग गोइंग अब्रोड अब्रोड फोर ए होलीडे ए होलीडे है ना उम्मीद ना रहा कि वाज आउट ऑफ द क्वेश्चंस आउट ऑफ द क्वेश्चंस इस तरह जो है इसका सेंटेंस बन गया आप लोग भी बनाएंगे आप लोग जो है लिखते जाएंगे या तो मेरे साथ नहीं लिख पाते वीडियो पॉज करके इसका नान का ही जो है आउट ऑफ क्वेश्चन लिखिएगा इसका उम्मीद इसका जो हिंदी मीनिंग है उम्मीद ना कर, होना ये भी लिखिएगा और सेंटेंस भी लिखिएगा सेंटेंस भी लिखिएगा और इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ सेंटेंस का वो वीडियो पॉज करके जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप देखिए यहाँ पर है यहाँ नोट है यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोट है तो इतना बस यही मैं लेता हूँ माई कप ऑफ टी ये इडियम सब फ्रेज है माय कप ऑफ टी इडियम सब फ्रेज है मैं इसको क्या बोलता हूँ तो मिटा देता हूँ हाँ रान दिया जाए तो दिया दे जाए देखिए इसको मैं मिटा देता हूं इसको मैं मिटा देता हूं याद देखिए अब माई कप ऑफ टिमिश क्या अपनी पसंद का होना यहाँ लिखता हूँ मैं अपनी पसंद का होना इससे सेंटेंस क्या बनाएंगे आप सेंटेंस बना सकते हैं कि यह डिनर सचमुच मेरे पसंद का नहीं है यह डिनर साचमुच मेरे पसंद का नहीं है तो आप लिखेगा दिस डिनर इजांट रियाली रियाली आप क्या लिखेंगे माय कप ऑफ टी लिखेंगे माय कप ऑफ टी माय कप ऑफ टी है ना यही सेंटेंस होगा आ, दिखता होगा अब नेक्स्ट देखिए एक एक कुकू इन द नेस्ट इस इडियम्स का मीनिंग होता है पसंद नहीं होना आ कुकु इन द नेक्स्ट मीस पसंद नहीं होना लिख लेंगे का अर्थ होता है पसंद नहीं होना का सेंटेंस बनाएंगे आप जैसे ताम एक अच्छा व्यक्ति था ताम एक अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसे उसके साथी दौरा पसंद नहीं किया था तो यही लिखेंगे लिखेंगे शाम एक अच्छा व्यक्ति है शाम इज ए गुड पर्सन लेकिन लेकिन उसे उसके साथी दौरा पसंद नहीं किया था लिखेंगे बट ही इज सीन बाय हिज साथी साथी में क्या था पीर्स साथी लोग पीर्स एज ए तो लिखना अ कक्कू इन द नेस्ट अ कक्कू इन द नेस्ट जो है नेक्स्ट है इस तरह सेन्टेंस बन गया सेंटेंस बन गया आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसा प्रैक्टिस करना है जो वहाँ पर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं सब बना के आएंगे टू हैव सेकेंड थाट्स टू हैव सेकेंड थाट्स इसका मीनिंग होता है सोच में पड़ जाना सोच में पड़ जाना लिखेंगे सोच में मैं मिटा देता हूँ तो फिर यहाँ अ कुकू यहाँ पर लिखा था अ कुकू इन द नेस्ट इन द नेस्ट और यहाँ पर हमें लिखना है सोच में पर जाना सोच पड़ जाना जैसे इस एग्जाम्पल बना सकते हैं कि वह लड़की शादी को लेकर सोच में पड़ गई सोच में पड़ गई। तो इसका आप क्या लिखेगा लिखेंगे तो आप लिखेंगे वाज हैविंग है सोच पड़ गई। सेकेंड थॉट्स लिखेंगे सेकेंड थाट्स इसलिए शादी को लेकर लिखेंगे अबाउट गेटिंग मैरिड गेटिंग मैरिड बस ये हो गया ये जो है इसका सेंटेंस बन गया अब नेक्स्ट देखते हैं अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इसका मीनिंग होता है झूठी तारीफ करना झूठी तारीफ करना देखिए यहां लिखता हूं झूठी तारीफ करना इसका सेंटेंस क्या बना सकते आप सेंटेंस बनाएंगे कि उसका झूठी तारीफ करना मुझे बीमार कर देता मुझे बीमार कर देता है लिखेंगे उसका उसका लिखे या उसकी लिखे उसकी जो अच्छा रहेगा उसकी लिखता हूँ हर है ना कांस्टेंट हर कांस्टेंट क्या लिखें लेफ्ट हैंडेड हर कांस्टेंट लेफ्ट यहाँ पर एक चीज छोड़ दिया हूँ यहाँ ये लिखा हुआ ये लिखेंगे हर कांस्टेंट ए लेफ्ट हैंडेड क्या है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मुझे बीमार करता है क्या लिखेंगे मेक मी सिफ मेक्स मी सिक एस आई सी के इस तरह ये सेंटेंस बन गया आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे देखिए आज मैं प्रत्येक क्वेश्चन में पेन चूज कर रहा हूँ मुझे भी अच्छा लग रहा है देखता हूँ किस कौन सा पेन जो है बेहतर लिखाता है तो नेक्स्ट डे से वही मैं यूज करूँगा आज मैं एक तरह से रिहर्सल कर रहा हूँ आज देखिए अ शॉर्ट इन डार्क इसका मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना अंधेरे में तीर चलाना या तुक्का मारना क्या बोलते हैं तुक्का मारना इसका हिंदी लिखेंगे तुक्का, है तु लिखे तुक्का मारना जैसे बोलते ना मैं बस तुक्का लगाया मैं बस तुक्का लगाया कल लिखेंगे आई जस्ट टूक टुक्का लगाया अ शॉर्ट इन द डार्क इज शॉर्ट इन दार्क सेंटेंस बन गया अब फिर मैं नेक्स्ट काम चूज करता हूँ अब ये चूज अब इसको चूज करता हूँ देखिए नेक्स्ट है इन अनाट सेल इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त क्या होता है संक्षिप्त को छोटा करके बताना दिख रहा होगा आ, मैं लिखता हूं संक्षिप्त इसका होता है संक्षिप्त या किसी बात को छोटा के बताना लिखिएगा किसी बात को फोटा करके फोटा करके बताना मजा आ रहा है पेन का चेंजिंग देखकर अब लिखेंगे इसे बना सकते हैं क्या तुम शॉर्ट तो में मुझे बता सकते हो यह सेंटेंस जो हम लोग अधिकतर लाइफ में बोला करते हैं लिखना क्या तुम मुझे शॉर्ट में बता सकते हो लिखेंगे कैन यू टेल मी क्या लिखेंगे इन आट सेल इन ए हट जाता हूँ जिससे कि आपको दिखे है ना आप जो है वीडियो पॉज कर देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में हट जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करेंगे पेन चूज करेंगे और ये ले लिया था अब इसको लेंगे अब ये देखते क्या चलता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट इसका अर्थ तहे दिल से दिल की गहराई से तहे दिल से तो लिखेंगे हिंदी मीनिंग तो हे दिल से तहे दिल से दिल की गहराई से तहे तो तहे तो है अब देखिए यहाँ बनाएंगे इसे मैं उन लोगों को तो तहे दिल से धन्यवाद दिया ये लिखेंगे आई थैंक् कैसे तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ अरे ये क्या लिखा था चाहिए क्या लिखें यहाँ पर देम होगा तब लिखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई लिखेंगे हार्ट यहाँ लिखता हूँ एच ई ए आर टी हट इसका सेंटेंस बन गया यहाँ एक चीज मिट गया यहाँ पर हे है तहे तहे दिल से ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कैसे देखेंगे पेन चूज करके एक पेन ले लिया आप इसको लेंगे और बेटर और वर्ज इसका हुआ चाहे अच्छा हो या बुरा चाहे अच्छा हो या बुरा लिखेंगे चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ बुरा हुआ चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ बोलते ना चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं तुमसे शादी किया ना चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं तुमसे शादी किया ना ये बना सकते हैं कहेंगे आई मैरिड यू चाहे अच्छा हुआ बुरा हुआ लेकिन फोर बेटर और वर्ज फोर बेटर और वर्ज मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप मुझ पर विश्वास रखिए मैं आपको जो है बहुत अच्छी तरह से जो तो अच्छा से अच्छा होता है उतना अच्छा से आपको सिलेबस जो है पढ़ा दूंगा और उतना अच्छा से आपको पका बनवा दूंगा ताकि आपको इस एग्ज़ाम में यदि आप मन से सच्चे दिल से आप मान बैठा लीजिए मुझे इसमें सर्विस लेना है तो लेना है तो मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा सिर्फ जो है जितना मैं कहता हूँ उतना आप करते जाए तो आप जो है तक्स कर जाएंगे और एडियम्स ऑफ फ्रेज इससे अभी आज मैं एडियम्स बताया तो कल मैं फिर जो है और क्या करता हूँ इससे बताऊँगा फिर नेक्स्ट डे एडियम्स फिर नेक्स्ट डे इससे इस तरह जो है करते रहूँगा जिससे कि आपको भी टाइम मिले इसको याद करने में और अच्छे से याद हो जाए नेक्स्ट देखिए फिर पेन चूज करेंगे इसको लेता हूँ ए स्वेल्ड हेड मीन्स क्या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति लिखेंगे प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना बोलते हैं प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति इसका हिंदी क्या बनाएंगे कि, कि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिंदा में तो कोई किसी का प्रश्न करता नहीं मरने के बाद प्रशंसा किया जाता और खूब उसका चेहरा एक्सप्रेशन देखिएगा मजा आता है देखने में देखेंगे ही लिखिएगा मैन लिखिए या लिखिए पर्सन है ना वही चिंदा में प्रशंसा नहीं करता मरने वाला तो देखिए ना क्या प्रशंसा करता है सुनकर दिल गदगद हो जाता है अब देखिए लेम एक्सक्यूज मिस क्या फिर मैं पेन चूज करूँगा तब बताऊँगा मैं ये पेन ले लिया इसको चूज करूँगा देखिए वाइट वाइट चलेगा कभी नहीं इसको लेता हूँ लेम एक्सक्यूज मिस क्या झूठी बहाना झूठा बहाना कहेंगे झूठा बहाना इसे बोलेंगे कि तुम्हें काम से बचने के लिए झूठा बहाना नहीं करना चाहिए ये सेंटेंस बना सकते हैं झूठा आई पेन भी चेक कर रहे हैं झूठा बहाना देखिए इसे लिखेंगे यू शूड नॉट मेक अ लेम एक्सक्यूज इसलिए काम करने से बचने के लिए लिखेंगे टू अवॉइड टू अवॉइड वर्किंग वर्किंग सेंटेंस बन गया है ना दिख रहा होगा अब देखिए फिर भी देखते हैं ये क्या है पेन है ये आयो आयोजे अरे इसको किस पेन को लू इसको लेता हूं देखिए एट लॉस में सुता है अचंभित होना अचंभित अचंभित होना दिख रहा होगा ऐसे बोल भी रहा हूं एटोलोसमिस का अचम्बित हो होना या उलझन में होना उलझन या मैं लिख दिया उलझन लिख दिया उलझन में होना इसका क्या बनाएंगे कि मैं आचंबित हो गया कि अब आगे क्या करे ना चमित हो गया कि अब आगे क्या करे ये बना सकते हैं यहाँ पर देखेंगे यह कौन सा पेन चूज करो फिर चूज करता इसको चूज करता मजा आएगा है ना आई वाज ए मस्ट पेन है आई वाज एट अ लॉस एट अ लॉस है ना क्या करे फोर वाट टू डू नेक्स्ट टू डू नेक्स्ट इस तरह जो है हम लोग जो है बीस सेंटेंस देखें, बीस सेंटेंस का आ, उसका हिंदी मीनिंग बताया सेंटेंस बना बताया तो आप लोग जैसे मैं कहता हूँ आप लोग जो है एक कॉपी बनाएंगे एविडेंस फेज का अलग और जो है उसका ये लिखिएगा इसका हिंदी में लिखिएगा और सेंटेंस का पहले आप हिंदी में माइंड रखिएगा आखिए आप या पहले आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले हिंदी में लिख लीजिएगा और तब उसका इंग्लिश में लिखिएगा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको कमेंट में जो बताना है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट पेन या वो चूज किया कौन सा पेन बेहतर है वो आप कमेंट में जोर करेंगे कमेंट में जोर लिखेंगे कौन सा पेन जो है बेहतर लगा आपको और किससे लिखना बेहतर होगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो तो आपके सर्किल में जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी साथी हैं लेसन में उन सबको जो है यह वीडियो जो है शेयर करेंगे और उनको सब्सक्राइब कहेंगे ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा हम लोग पढ़ाएंगे वह वीडियो उस पर जाएगा और कमें और लाइक भी करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय